हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए आज की वीडियो में हम सीखेंगे ओम जय जगदीश हरे कैसे बजाएंगे, इसका धुन हम हारमोनियम से कैसे निकालेंगे। ठीक है, इस एक धुन को अगर आप बजाना सीख जाते हैं तो बहुत सारे आरती इस धुन पर गाए जाते हैं। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय लक्ष्मी माता, इन सारे आरतियों का धुन यही है, तो इन सबों को आप बजा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस आरती को हम कैसे बजाएंगे। ठीक है, पहली काली यानी सी शार्प से इसको हम बजाना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से स्वर लगते हैं। ठीक है, तो सारे इसमें शुद्ध स्वर लगते हैं, यानी बिलावल थाट के जितने भी स्वर होते हैं वो इसमें लगते हैं। ठीक है, तो पहले हम छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांट के बजाना सीखेंगे। आप ध्यान देंगे कि सरगम जो बोला जा रहा है, यानी जो नोटेशन बोला जा रहा है, कहां दुगुन में स्वर को बोला जा रहा है और कहां एक गुन में बोला जा रहा है, आप इस पर ध्यान अगर दे देंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप भी इस धुन को बजा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला लाइन निकालेंगे ओम जय जगदीश हरे, देखेंगे कि इसमें कौन कौन से स्वर लग रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम बजाएंगे ओम जय जगदीश हरे, तो सिर्फ इतना पहले हम निकालेंगे और देखेंगे कि कौन सा बटन हम कितनी बार दबा रहे हैं। ठीक है, तो पहली काली यानी सी शार्प से ये गाना उठ रहा है और इन्हीं तीन स्वरों में सा रे और मंद्र सप्तक का नी, ठीक है, इन्हीं तीन स्वरों में ये पूरा लाइन निकल जा रहा है। जैसे ओम जय जगदीश हरे, ठीक है, अब देखिए कितने बार ओम जय जगदीश हरे। सरगम कौन कौन सा लग रहा है? सा 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 रे नी सा रे, ध्यान दीजिए सा 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 रे नी सा रे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि सा सा जो हम लगा रहे हैं तो कभी कभी हम जो सा पर रुक रहे हैं और कभी कभी हम दो बार बोल रहे हैं, यानी उसको दो गुण में बोल रहे हैं। जैसे सा 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 रे नी सा रे, इसी को पकड़ना है। ये अगर पकड़ में आ जाएगा तो कोई भी गाना निकाला जा सकता है। ठीक है, तो सा 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 रे नी सा रे, इसको दो बार चार बार आप सुनेंगे तो ये समझ में आ जाएगा और आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला है ओम जय जगदीश हरे निकल गया, आगे है स्वामी जय जगदीश हरे, तो कहां से उठेगा? स्वामी जय जगदीश हरे, ये यहां से उठ रहा है। ठीक है, स्वामी जय जगदीश हरे, स्वर लग रहा है रे ग म प प प ध प म ग म रे, फिर से रे ग म प प प ध प म ग म रे। ठीक है, स्वामी जय जगदीश हरे, इतना कंप्लीट हो गया। आगे है भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट, अब इसको निकालेंगे, क्या स्वर है? रे ग रे ग म म म ग रे सा, फिर से देखिए रे ग रे ग म म म ग रे सा, रे ग रे ग म म म ग रे सा, क्या निकल रहा है? भक्त जनों के संकट, इतना निकल गया। आगे आएगा क्षण में दूर करे, क्षण में दूर करे,
ठीक है। क्षण में दूर करे सारे गरे सन साध सारे गरे सन साध क्या है क्षण में दूर करे ठीक है। फिर अगला लाइन आएगा ओम जय जगदीश हरे इसमें स्वर लग रहा है रे 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 गरे सानी सा ओम जय जगदीश हरे रे रे गरे सानी सा। दो बार चार बार इसको वीडियो को रोक रोक करके देखेंगे और ध्यान देंगे कि कौन बटन कितनी बार दबाया जा रहा है या किस स्वर को कितनी बार कैसे बोला जा रहा है, कब दुगुन में बोला जा रहा है यानी जल्दी जल्दी बोला जा रहा है और कब स्वर पर रुका जा रहा है, तो जल्द आ जाएगा ठीक है। अंतरा हम देखेंगे जो ध्यावे फल पावे कौन कौन सा स्वर लग रहा है इसमें जो ध्यावे फल पावे रे सा रे सा रे सा ठीक है। जो ध्यावे फल पावे जो ध्यावे फल पावे यानी रे सा रे सा रे सा ठीक है। दुख बिन से मन का दुख बिन से मन का दुख बिन से मन का पध प मगर सारे पध प मगर सारे पध प मगर सारे ठीक है। दुख बिन से मन का और फिर आगे है सुख संपत्ति घर आवे वही स्वर लगेगा जो आपके मुखड़े के दूसरे लाइन में लगा है ठीक है। रे ग रे ग मा मा ग रे सा ठीक है। कष्ट मिटे तन का रे 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 गरे सानी साध और फिर ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे यानी रे 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 गरे सानी सा। इसी तरह सारे अंतरे बजेंगे जो भी अंतरा आएगा इसी तरह बजेगा ठीक है। मुखड़ा और अंतरा लगभग समान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बड़ी ही आसानी से आप इसे बजा सकते हैं। दो बार चार बार वीडियो को रोक रोक करके पीछे करके इसको देखेंगे। हमें ध्यान क्या देना है कि कौन स्वर हम दो बार बोल रहे हैं, तीन बार बोल रहे हैं, चार बार बोल रहे हैं, कौन स्वर हम एक बार दो बार बोल रहे हैं ठीक है, और किस स्वर पर हम रुक रहे हैं, किस स्वर को हम बार बार यानी जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। जैसे ओम जय जग ओम जय जग यानी सा 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 सा, तो हमने पहले बार क्या बोला सा 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 यानी तीन बार हम बोल रहे हैं सा सा सा, तो हम धीरे धीरे स्वर को बोल रहे हैं, रुक रहे हैं स्वर पर, और उसके बाद जो हम बोल रहे हैं तो स्वर को हम जल्दी बोल रहे हैं सा सा यानी दुगुन में उसको बोल रहे हैं, उसको जल्दी जल्दी बोल रहे, तो इस बात पे हमें ध्यान देना है। जैसे रे ग म प प प क्या है रे ग म प प प, तो इसमें किसी स्वर पर हम नहीं रुक रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे किसी स्वर पर हम रुक भी रहे हैं। रे ग म प प प ध प म ग म रे, और रे पर हम रुक रहे हैं, रे हम एक ही बार बोल रहे हैं लेकिन वहां ठहराव है, वहां हम रुक रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान देना है कि किस स्वर पर हम
कैसे रुक रहे हैं और वहां पर हम शब्द का उच्चारण कैसे कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान दे देंगे तो कोई भी गाना आप इस तरह ढूंढ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो प्यारा लगा है तो कृपया एक प्यारा से कमेंट कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल पर प्रेस कर ले, ताकि इस तरह की संगीत से जुड़ी हुई वीडियो मैं जब भी डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका भरपूर लाभ उठा सकें। तब तक के लिए गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।